अल्लाह, अगर आहिल का निकाह जहर के साथ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। नहीं जी, कुछ भी करके यहां से निकलना होगा। I love you, Suneri. I love you, Suneri. I love you, Suneri. I love you. हर लड़की का सपना होता है कि वो खुद को दुल्हन के जोड़े में देखे, और मैंने हमेशा खुद को आपकी दुल्हन के जोड़े में देखना चाहा। लेकिन मेरा नसीब तो देखिए, दुल्हन तो मैं बन गई हूं, लेकिन आपकी नहीं, किसी और की। इतनी ताकत दीजिए कि मैं जो काम यहां करने आई हूं वो करूं और यहां से चली जाऊं। पापा मुझे ताकत दीजिए, अब मैं और कुछ नहीं सोचना चाहती। ये तुम्हारा हक नहीं है, तुम्हारी बहन का हक है। ये लड़की, गन मुझे दे। दरवाजा खोलो। ये लड़की देख, गोली चल जाएगी। मैंने कहा दरवाजा खोलो। देख, गन मुझे दे, दे। मैं दरवाजा खोलता हूँ। आप वही है ना जो कल रात यहाँ इसी कमरे में थी? हाँ मैं वही हूँ, दिलशाद अहमद खान, तुम्हारी बड़ी अम्मी। बड़ी अम्मी, और तुम मेरी वही पोती हो जिससे मैंने बरसों पहले तनवीर की वजह से खो दिया था। शक्ल नहीं है, वो तुम्हारी जुड़वा बहन है, तुम्हारी जुड़वा बहन है। तुम्हारे अब्बू का नाम असद अहमद खान है, अम्मी जोया फारूकी, जोया फारूकी। और तुम दोनों असद और जोया की जुड़वा बेटियां हो। बच्चिया सनम और सहर, सहर? हाँ बेटा, तुम सुनहरी नहीं हो,
तुम शहर हो, शहर। तुझे भागने का बहुत शौक है ना, अब दिखाता हूं तुझे। कि तुम निकाह कर लो आयन के साथ। बेगम साहिबा, निकाह पूरी जिंदगी का रिश्ता होता, और अगर ये निकाह पूरी जिंदगी का रिश्ता ना होकर सिर्फ 3 महीने का हो तो इन 3 महीनों में बिल के सारे पेपर्स तैयार हो जाएंगे, आहिल को नवाब साहब की सारी जायदाद मिल जाएगी, उसके बाद अगर तुम चाहो तो आहिल को डिवोर्स दे सकती हो। रजिया ने परसों पहले मेरी और राशिद की जिंदगी बर्बाद की, और तनवीर ने जोया और असद की। इन दोनों की वजह से हमारा पूरा खानदान बर्बाद हो गया, पूरा खानदान खत्म हो गया। और अब ये तुम दोनों बहनों का इस्तेमाल कर रही हैं। बेटा, अगर तुमने आहिल से निकाह कर लिया ना तो सनम तो जीते जी मर जाएगी। ऐसा मत करना बेटा, ऐसा मत करना। अगर अल्लाह ने मुझे फिर से जिंदगी दी है इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि हम सब मिलकर उनके खिलाफ लड़े, उनकी सोच को जड़ से खत्म कर दे। तुम्हारे से कम मत करना बेटा, सरफ के साथ ऐसा मत करना। आप मेरी दादी हैं या नहीं है, लेकिन अभी वाले फर्ज निभा रही हैं आप। क्या कहानी, मेरे माँ बाप बहन बड़ी अम्मी, क्या टैलेंट है। फिल्म की स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए आपको, बता रही हूं मैं। तुम्हें क्या लगता है अपने बेटे बहू के लिए कोई इस तरह की मनगढ़ंत कहानियां नहीं बोलता? क्यों नहीं करता? मैं ऐसा करती हूं?
अपने माँ बाप के बारे में? जब भी मुझे जरूरत होती है ना, मैं किराए के माँ बाप लेके आती हूँ। बहुत अच्छे एक्टर्स मिलते थे मुझे। तो आप ये सब कुछ क्यों कर रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। बचपन से लेके आज तक मुझे एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि सुनहरी तू अनाथ। अनाथ का मतलब समझती है? जिसका पूरी दुनिया में कोई नहीं होता। और मेरी जिंदगी इस बात का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। इसलिए अगर आपके पास इन सब बातों का कोई सबूत है तो मुझे दीजिए, नहीं तो प्लीज टाइम मत वेस्ट कीजिए मेरा, चले जाइए। नहीं, रुक जाओ। मैं कह रही तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं सच कह रही हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। देखो इंजेक्शन मत लगा लो प्लीज, खुदा के लिए रुक जाओ। मैं नहीं भागने की कोशिश करूंगी। मैं कुछ कह रही हूँ तुमसे, मैं नहीं जाऊंगी कहीं। मैं बोल रही हूँ ना, प्लीज इंजेक्शन मत लगा। पैसों की चमक ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया कि तुम्हें ये भी दिखाई नहीं देना कि तुम अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। तुम्हें किसी पे यकीन नहीं है ना? मेरे आंसुओं पे भी नहीं। अरे आपने गोद में खिलाया क्या मुझे? और सनम मेरी बहन, कब बचपन में खेलती थी क्या उससे मैं? मेरे पापा जानते हैं कि बचपन से लेके आज तक अगर मैं किसी चीज के लिए तड़पी हूं ना, तो वो है फैमिली। मैं रोती थी कि इस दुनिया में मेरा कोई अपना क्यों नहीं है। और आज जब मैंने अपने मन को पक्का कर लिया है कि मैं अनाथ हूं, तो अचानक से आप उठ के आती है और मुझे कहती है कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी पूरी फैमिली है, तुम्हारे पेरेंट्स हैं या थे, जो भी, तुम्हारी एक बहन है, मैं तुम्हारी बड़ी अम्मी हूं। क्यों यकीन करूं मैं इस बात पे? सड़कों पे धक्के खा के बड़ी हुई हूं मैं, कचरे से खाना ढूंढ के खाती थी। क्या सबूत क्या है आपके पास? देखिए आई एम सॉरी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, आप मुझसे बड़ी हैं, लेकिन ये फैमिली ड्रामा और ये इमोशनल ट्रैक मेरे सामने मत खोलिएगा। मुझ पे कोई असर नहीं होगा, आई एम सॉरी। तुम्हारा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है ना? हाँ, मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। मेरी बहन भी वो पॉजिटिव होगा? नहीं, और आप मेरी बड़ी अम्मी, यसली आपका भी वो पॉजिटिव होगा। इत्तेफाक नाम की कोई चीज होती है। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका ओ पॉजिटिव, लेकिन ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि तुम्हारी दाई टांग पर एक पैदाइशी निशान है। जानती हूँ बेटा, जब जिंदगी बार बार जख्म देती है ना, तो किसी पे यकीन नहीं होता।
और तूने तो बार बार दर दर की ठोकरें खाई है मेरी बच्ची, बार बार, इसलिए तुम्हें किसी पे यकीन नहीं। लेकिन मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारी बड़ी अम्मी हूं, वही बड़ी अम्मी जिसने रात रात भर तुम्हें गोद में सुलाया है, तुम्हारे बिना रात रात भर रोई हूं मैं मेरी बच्ची, सालों साल रोई है। आपने कभी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की ना, जिंदा हूं, मर चुकी हूं, कहां रहती हूं, कैसे रहती हूं, कुछ खाया है या भूखी हूं, आपको लगा मैं मर चुकी, मैं कैसे जिंदा हूं ये मैं ही जानती। मैं अपने पापा से सिर्फ एक शिकायत करती थी कि आपने मुझे कोई मेरा अपना क्यों नहीं दिया, इतने साल एकदम अकेली थी, पहले क्यों नहीं ढूंढा आपने, आप ही से पूछ रही हूं मैं। मुझे नहीं पता था वो मेरी बहन, मुझे नहीं पता था मैं अपनों के साथ ही ऐसा कर रही हूं, मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे किसी ने नहीं बताया ये मेरा अपना घर है। मैं सनम के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी, लेकिन बेटा हमें तो ये भी नहीं पता कि रजिया ने सनम को कहां छिपा रखा है। मुझे रजिया के ठिकाने का पता है, हम वहां से सनम को ढूंढ सकते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, अब मैं आ गई हूं ना, अब हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, सब ठीक कर दूंगी।